नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुंडार एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था डाटा इनइक्वालिटी, और आज हम बात करने वाले हैं कुछ अलग प्रश्नों के बारे में। लास्ट जो वीडियो में हमने आपसे बात की वो वाली बात थी कि भैया जो हमें कंडीशन एग्जामिनर के द्वारा दी जाती है उन कंडीशन को फॉलो करते हुए हमें क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, लेकिन इसका आज एक पार्ट सेकंड हम लेके आ रहे हैं कनेक्टिंग स्टेटमेंट्स। जी हाँ दोस्तों, दूसरे प्रकार के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर हमें स्टेटमेंट्स दो या तीन के रूप में दिए जाते हैं, उन्हें आपस में कनेक्ट करके हमें क्वेश्चंस का आंसर दिया होता है। उससे पहले एक विशेष जुगाड़ मैं आपको बताने वाला हूं। याद होगा आप लोगों को हमारे लास्ट वीडियो में जब मैंने बोला था कि भैया जब कंडीशनल क्वेश्चंस हमें दिए जाते हैं और हम उनको एक कमरे में बनाकर जमाते हैं तो हमेशा मगरमच्छ का मुंह यूं होता है, और जब हम मगरमच्छ का मुंह उस तरीके से नहीं कर सकते तो हमें लाइन तोड़नी पड़ती है, और जब भी दो अलग अलग व्यक्तियों की लाइनों की बात करते हैं तो हम बोलते हैं संभावना या इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं निकाला जा सकता। लेकिन दोस्तों, अब अगर एक ही लाइन में जहां हमें जमाने की आवश्यकता ना पड़े और एक ही लाइन में हमारे सामने कई प्रकार के सिंबल हो तो उस प्रकार की कंडीशन में हमें क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप पहले उसे समझेंगे उसके बाद में हम अपने अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर किन्हीं दो नाम के बीच अगर इस प्रकार से या इस प्रकार से कोई भी कनेक्टिविटी हमारे सामने हो तो हमें आसानी होती है उनके बीच में रिलेशन निकालने की, कि भैया हमें कॉमन देखना होता है और कॉमन देखकर हम उनके बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर यहां पर बात की जाए ए और डी की, तो भैया ऐसे डी की तरफ जाते वक्त मेरे पास जो कॉमन है वो है ग्रेटर देन, इसका मतलब होगा ए ग्रेटर देन डी। लेकिन दोस्तों, अगर इस प्रश्न को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं और आगे बढ़ाने पर साथ के साथ मैं इसमें यह लिख दूं और उसके बाद हम ये लिख दिया जाए, तो मतलब अब हमसे पूछा जाए कि भैया हमें यह बताएं ए और ई के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो देखिए जरूर दोस्तों, हमारे सामने जब सब कुछ मगरमच्छ का मुंह यूं चल रहा था तब तक तो सब आसान था, सब बढ़िया था, लेकिन अब हमने देखा कि जब मैं ऐसे ई की तरफ गया तो हमारे सामने ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, बट ये एक सिंबल आया लेस देन का। अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है मित्रों कि अगर कभी किन्हीं दो डाटाज में कंपैरिजन करते वक्त अगर हमारे सामने कुछ इस प्रकार के चिन्ह आए, मतलब अगर ये वाला सिंबल हो या ये वाला सिंबल हो, तो हम जिन दो डाटा की या जिन दो लेटर की बात हम कर रहे हैं हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, उनके बीच कन्फर्म रिलेशन नहीं निकाला जा सकता। तो कुल मिला के हमने ये बात की कि भैया अगर रिलेशन कुछ इस प्रकार से आए लगातार या कुछ इस प्रकार आए लगातार, मतलब मगरमच्छ का मुंह अगर एक ही तरफ होता है, तो मैं शुरू से लेकर अंत तक अपने वीडियो में यही बताता रहा हूं कि भैया अगर मगरमच्छ का मुंह यूं नहीं है तो आप उसे कीजिएगा, अगर नहीं कर सकते तो लाइन तोड़ दीजिएगा। लेकिन कई बार सवाल कुछ ऐसे होते हैं कि एक लंबा सा स्टेटमेंट दे दिया जाता है, उसमें मगरमच्छ का मुंह कुछ यूं भी होता है कुछ यूं भी, और अगर इन दोनों के जैसे अगर इनके मगरमच्छ के मुंह हुए तो भैया उनका कंपेरिजन करते वक्त हम का कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब हम यह नहीं निकाल सकते कि इनके बीच में कोई कंफर्म रिलेशन है या नहीं है। अगर इस प्रकार के उसके बीच में सिंबल आते हैं तो इसका मतलब है उनके बीच में रिलेशन नहीं निकाला जा सकता। तो चलिए दोस्तों, अब अपने अगले पड़ाव पर चलते हैं। मैंने चर्चा की थी कनेक्टिंग स्टेटमेंट्स की। कनेक्टिंग स्टेटमेंट्स का मतलब है दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हमें दिए जाते हैं, कोशिश यह करनी है कि उन्हें एक ही लाइन में जमा दिया जाए कनेक्ट करके, तब जाके हम आसानी से अपने आंसर निकाल सकते हैं। तो आज हम जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, आज हम जिन प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं वह है कनेक्टिंग स्टेटमेंट्स। देखिए दोस्तों, अपने प्रश्न किस प्रकार से है देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो प्रश्न है वो आज कनेक्टिंग स्टेटमेंट का है। जैसा कि हमारे सामने स्टेटमेंट दे रखा है कि P greater than or equal to S then S greater than T, comma T greater than or equal to F greater than U, तो हमारा सबसे पहला काम है कि इन्हें कनेक्ट करना और एक ही लाइन में जमाना है। तो पहली बात तो ये देखिएगा कि जो स्टेटमेंट खत्म हुआ है, मतलब ये टी है, तो टी से कनेक्ट होने के लिए हमारे पास यहां पर टी मौजूद है। हमें अब ये नहीं देखना है कि इनके बीच में जो सिंबल्स हैं, मतलब जो हमारा मगरमच्छ का जो मुंह है वो यू है या यू है, बस हमारा पहला काम है कि इन्हें आपस में कनेक्ट करें। कनेक्ट करने के लिए कोई एक कॉमन वर्ड चाहिए जो टी हमें यहां से दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं आपके सामने बात करूं इसे पूरा कनेक्ट करने की, तो भैया पी ग्रेटर देन इक्वल टू एस देन एस ग्रेटर देन टी। अब टी
ग्रेटर देन इक्वल टू एफ है तो मैं इसको यहां पर ऐसे लिख दूंगा और एफ ग्रेटर देन यू, ये हमारा एक ही लाइन में हो गया। और जैसा कि हम पिछले वीडियो से अब तक बताते आ रहे हैं कि हमारे अनुसार काम हुआ है, मतलब कि भैया मगरमच्छ का मुंह कैसे है इस तरफ है। अब अगर अपन बात करते हैं हमारे पहले कंक्लूजन की कि भैया P ग्रेटर देन F, तो भाई हमें P से F तक जाते वक्त आखिर क्या मिल रहा है कॉमन, तो कॉमन देखिएगा ग्रेटर देन ग्रेटर देन देन ग्रेटर देन, देन इट मींस ये जो है बिल्कुल कंफर्म क्या होगा ट्रू होगा, मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो हमारे सामने क्या होगा ट्रू। अगर हम बात करते हैं एस ग्रेटर देन यू, मतलब जो एस है वो ग्रेटर देन यू से, तो एस से यू की तरफ चलते वक्त भैया ग्रेटर देन ग्रेटर देन देन ग्रेटर देन, तो एस भी जो है वो ग्रेटर देन यू से, मतलब यहां पर दोनों ही जो कंक्लूजन है वो फॉलो करते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर कंक्लूजन आर फॉलो। देखिए हम अपने अगले स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, जैसा कि हमारे सामने दे रखा है कि भैया s इक्वल टू s देन s ग्रेटर देन इक्वल टू t और कनेक्टिविटी t के साथ यहां पर है, हमें कुछ नहीं करना। अगर कनेक्टिविटी t के साथ है तो भैया यहां पर देखिएगा पहले तो इस वाले कॉन्सेप्ट को खत्म करेंगे जो कि हमने शुरू से बता रखा था कि भैया h इक्वल टू s देन s इज ग्रेटर देन इक्वल टू t देन h इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू t, मतलब जब s बड़ा या बराबर है t के तो h भी होगा, और उसके बाद में t कनेक्टिविटी के लिए हमारे सामने यहां पर दे रखा है तो भैया t ग्रेटर देन f और सबसे बड़ी बात f लेस देन u। देखिए दोस्तों हमारे सामने अब एक ही लाइन में जमा दिए गए हैं, लेकिन अब यहां पर चर्चा यह है कि भैया मगरमच्छ का मुंह हमारे हिसाब से नहीं है, तो भैया जो हमारे हिसाब से नहीं चलता हम उसे नहीं जानते, हम उसके बारे में कंफर्म नहीं बता सकते। जैसा कि फर्स्ट कंक्लूजन हमारे सामने दे रखा है h इज ग्रेटर देन f देन h से अगर मैं f की तरफ जाता हूं तो कॉमन जो हमारे सामने आया वो ग्रेटर देन देन ग्रेटर देन, हमारा आंसर क्या हुआ ग्रेटर देन, जो फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू। सेकंड कंक्लूजन की बात करते हैं, अगर हम सेकंड कंक्लूजन की बात करते हैं तो s इज ग्रेटर देन u, अरे भाई s से अगर u की तरफ चलते हैं तो ग्रेटर देन लेकिन ये लेस देन है, मतलब इस प्रकार का जो रिलेशन अगर बीच में आता है उसके बारे में हम कह सकते हैं कि इनसे हम कंफर्म आंसर नहीं निकाल सकते, मतलब यहां से आंसर कंफर्म नहीं निकल सकता और जो पहला आंसर है वो हमारा कंफर्म आंसर है। तो जो इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज फॉलो। तो इस प्रकार हम इन प्रश्नों की चर्चा करते हैं, हम अपने अगले प्रश्न की तरफ और बढ़ रहे हैं। दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न, आशा करता हूं आपको हमारे जुगाड़ बहुत ही समझ में आ रहे होंगे, नहीं समझ में आ रहे हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, कोई आपको सुझाव देने हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसके बारे में जरूर विचार करेंगे और अपनी मेहनत करके आपके सवालों का जवाब देंगे। देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, देखिए दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न अब यहां पर दिया जा रहा है वो ये है कि भैया टी इज ग्रेटर देन पी एंड पी इज ग्रेटर देन सी कोमा सी ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू क्यू ग्रेटर देन एफ, यहां पर दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। सबसे पहला काम है हमें इन्हें आपस में स्टेटमेंट्स को आपस में क्या करना है कनेक्ट करना है, कनेक्ट करने के लिए हमारे सामने बिल्कुल ये सी दे रखा है, सी से हम कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इसके कनेक्ट करें तो नीचे मैं लिख रहा हूं कि टी ग्रेटर देन इक्वल टू पी देन पी ग्रेटर देन सी सी ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू क्यू ग्रेटर देन एफ, हमारे सामने ये आ गया। और वही बात मगरमच्छ का मुंह इस तरीके से है तो हमारे रिलेशन ढूंढना जो स्टेटमेंट ढूंढना जो है इसके कंक्लूजन से वो बड़े आसान हो जाएंगे। देखिए दोस्तों टी ग्रेटर देन जी, टी से अगर हम जी की तरफ चलते हैं सॉरी टी से अगर हम सी की तरफ चलते हैं तो भैया यहां पर क्या है टी से अगर सी की तरफ चलेंगे तो ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन लिखा हुआ है, तो भैया हमारा ये जो आंसर होगा वो कंफर्म क्या होगा सही होगा। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ये है कि एफ इज लेस देन पी, मतलब इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि पी इज ग्रेटर देन एफ, मतलब पी से अगर मैं एफ की तरफ जाऊं, देखिए मित्रों एफ इज लेस देन पी मतलब जो पी है वो बड़ा होगा किससे एफ से, तो अगर पी से एफ की तरफ निकलें तो भैया पी से एफ की तरफ निकलेंगे तो ग्रेटर देन ग्रेटर देन देन ग्रेटर देन, तो हमारे यहां दोनों ही कंक्लूजन क्या होंगे बिल्कुल सही होंगे बिल्कुल राइट होंगे। इसी प्रकार हम अपने अगले प्रश्न की तरफ देख रहे हैं, हमारे सामने दो स्टेटमेंट हो सकते हैं, दो के साथ तीन स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, चार स्टेटमेंट हो सकते हैं, स्टेटमेंट कितने ही हो बस हमें एक कॉमन कनेक्टिविटी देखनी है, उन्हें एक ही लाइन में जमाना है। देखो भैया L इक्वल टू C तो भैया L और C मैंने यहां पर लिख दिया है, C ग्रेटर देन G हमने C ग्रेटर देन J कर दिया है, J ग्रेटर देन इक्वल टू O देन O लेस देन F, हमारे सामने इस प्रकार ये पूरी की पूरी
स्टेटमेंट हमने बना लिया है, अब आगे हम बात करते हैं। तो L इज ग्रेटर देन J, देन L से अगर अपन J की तरफ चलते हैं तो बिल्कुल सामने दिखा हुआ है, देन C ग्रेटर देन J है तो L तो होगा ही होगा, तो भैया ये तो कंफर्म क्या हो गया सही। अब यहां पर जो बात की जा रही है वो की जा रही है कि F इज ग्रेटर देन L, कि भैया F जो है वो बड़ा है L से, तो भैया F जो है वो बड़ा होगा L से, बिल्कुल देख सकते हैं। यहां पर आप देखिएगा F L से बड़ा है कि नहीं, हमें क्या पता। अरे भाई L से लेकर अगर मैं F तक चला जाता हूं तो भैया सामने देखिएगा ग्रेटर देन ग्रेटर देन, लेकिन ये जो है वो लेस देन है। हमने पहले भी बताया था इस प्रकार के सिंबल अगर आते हैं तो उनके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। इसका मतलब ये है कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा ओनली फर्स्ट इज राइट। आगे बढ़े, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने यहां पर ये स्टेटमेंट है, यहां पर स्टेटमेंट हमारे सामने दे रखा है 1 2। अब हम इनकी बात करते हैं तो ये आपस में अगर हम कनेक्ट करें तो देखिए मित्रों, इन्हें आपस में कनेक्ट करने के लिए क्या है कि भाई हम यहां देख रहे हैं कि P इज लेस देन इक्वल टू L, देन L इक्वल टू O, O ग्रेटर देन इक्वल टू N, देन N इज N ग्रेटर देन J, J इक्वल टू H और ये ग्रेटर देन F। हमारे सामने एक पूरी की पूरी लाइन हमने कुछ इस प्रकार से लिखी हुई है। जो पहला कंक्लूजन है हमारे सामने आया P इज ग्रेटर देन J, तो P से J की तरफ जाते वक्त देखिए ये सिंबल और ये सिंबल हमारे सामने, एक तो ये सिंबल है एक ये सिंबल है, तो कहने का मतलब है हम यहां से P और J के बारे में कंफर्म कुछ भी आंसर नहीं बता सकते। O इज ग्रेटर देन F, O बड़ा है किससे, F से, तो भैया O से ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, बिल्कुल O से अगर मैं F की तरफ चला जाता हूं तो हमें बिल्कुल हमारा जो सेकंड आंसर है कि O इज ग्रेटर देन F, द सेकंड इस कंक्लूजन इज फॉलो। तो इस प्रकार हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। इस प्रकार हम दोस्तों अपने अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिएगा, देखिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये कह रहा है कि भैया सामने हमारे सामने तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं और इन तीनों स्टेटमेंटों का पहला काम है कि हमें एक ही लाइन में जमाना है, कनेक्ट करना है, कनेक्टिंग स्टेटमेंट हमारा चल रहा है। अगर हम बात करें यहां पर आगे की तरफ तो भैया पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यू, देन क्यू इज इक्वल टू आर, तो भैया ये बीच वाली घटना को तो हमें क्या कर देना है, बिल्कुल सफाया कर देना है। आर ग्रेटर देन इक्वल टू टी, देन टी इक्वल टू जे। अब दोस्तों कई बार क्या होता है कि यहां पर कंफ्यूजन करने की कोई जरूरत नहीं है, यहां कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, भैया ये टी जे यहां पर आ गया। अब इनके बीच में जो कॉमन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टी, तो भैया बिल्कुल दोनों में कॉमन वही है, तो ये 100% क्या होगा, ट्रू होगा, सही होगा। अगर हम बात करते हैं भैया जो Q है वो ग्रेटर देन इक्वल टू J होगा, तो भैया बिल्कुल ये भी रिलेशन इन दोनों के बीच में है, तो दोनों के दोनों जो रिलेशन होंगे वो क्या होंगे, सही होंगे, और वो दोनों के दोनों जो रिलेशन होंगे वही क्या होंगे, फॉलो करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वाले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों 1 2 3 यहां पर हमारे सामने तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं, पहले तो हमारा काम है उन्हें जमाना। अब यहां ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि मगरमच्छ का मुंह कैसे है, क्यों, क्योंकि अब हमारे सामने वो जुगाड़ है, कौन सा जुगाड़, कि अगर मगरमच्छ का मुंह आमने सामने की तरफ हुआ या विपरीत दिशा में होता है तो हम उनके बारे में कोई भी डेफिनेटली कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। देखिएगा भैया एफ, तो हमने यहां पर लिखा एफ लेस देन इक्वल टू ओ, O greater than C, then C greater than equal to Q, Q less than J, J equal to K and K greater than A। इस प्रकार हमने यहां पर इसे एक लाइन में सजा लिया है, इसे अपने अनुसार जमा लिया है दोस्तों। अब यह कह रहा है कि O greater than K, मतलब O से अगर मैं K की तरफ जाता हूं greater than then मगरमच्छ का मुंह वापस ऐसे, तो भैया इनके बारे में कोई भी कंफर्म कंक्लूजन हम नहीं निकाल सकते। अरे भाई ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, तो O से अगर हम यहां जाएं तो ये वाले दोनों जो सिंबल्स हैं ये हमें इनके बीच में कोई भी कंफर्म रिलेशन निकालने के लिए कहते हैं, मना करते हैं कि भैया यहां कुछ भी नहीं निकलने वाला, अब तो आप आगे जाइए, तेरा यहां काम नहीं है। अरे क्यू लेस देन है, मतलब अगर मैं इसको ऐसे कह दूं कि ए बड़ा है किससे, क्यू से, या क्यू छोटा है ऐसे, तो भैया अगर हम आगे बढ़े तो क्यू से ए तक जाते वक्त तो भैया हमें यू और ये, तो सिस्टम पूरा का पूरा यहां हमें समझ में आ रहा है कि भैया यहां पर भी ये जो कंक्लूजन है वो फॉलो नहीं होगा। तो इस प्रकार इस स्टेटमेंट से जो दोनों कंक्लूजन है वो हमारे यहां फॉलो नहीं होते हैं। देखिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, वो क्या कह रहा है देखते हैं। देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये है कि भैया यहां पर तीन स्टेटमेंट है, पहला काम है कि हम इन्हें कनेक्ट करें।
अगर हम यहां पर बात करते हैं पी इक्वल टू क्यू, तो पी बराबर है किसके, क्यू के। तो भैया हमने यूं उसको ऐसे लिखा, पी ग्रेटर देन इक्वल टू टी, देन टी लेस देन जी, जी इक्वल टू एफ, देन एफ ग्रेटर देन इक्वल टू ओ, देन ओ ग्रेटर देन जे। हमने इसे एक ही लाइन में सजा लिया है भैया, यहां और यहां, यहां जो ये चिन्ह है वो मगरमच्छ के मुंह उल्टी तरफ है, मतलब इसका मुंह इधर और इसका मुंह इधर, न जाने क्या झगड़ा हो रखा है, आपस में बात नहीं तो बात नहीं तो कोई रिलेशन भी नहीं। पहला ऑप्शन जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि पी इज ग्रेटर देन जी, तो पी से अगर मैं जी की तरफ जाता हूं तो देखिए दोस्तों यहां इसका सिंबल यू है और इसका सिंबल यू है, तो पी और जी के बारे में हम यहां से कोई भी कंफर्म कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। अगर मैं आगे बात करता हूं पी ग्रेटर देन और इक्वल टू टी, देखिए दोस्तों जब क्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू टी है और क्यू के इक्वल कौन है, पी, तो क्यू के पास वही पावर है जो, सॉरी पी के पास वही पावर है जो क्यू के पास है, तो हमारे सामने यह कंफर्म क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा, जी ग्रेटर देन और इक्वल टू ओ। भैया यहां पर आइएगा, जी बिल्कुल एफ ग्रेटर देन और इक्वल टू ओ है तो जी भी ग्रेटर देन और इक्वल टू ओ होगा, तो हम इसको भी बिल्कुल क्या करेंगे, कंफर्म सही करेंगे, टी ग्रेटर देन जे। अब टी से अगर मैं जे की तरफ जाता हूं तो देखिए दोस्तों एक तो मगरमच्छ का मुंह यूं, एक यूं और एक यूं, तो यहां मुझे नहीं लगता कि इनके बीच में कोई भी रिलेशन निकाला जा सकता है, तो यहां पर भी मैं आपको कह सकता हूं कि यहां से कोई भी कंफर्म रिलेशन नहीं निकल सकता। तो इस प्रकार ओनली टू एंड थ्री, मतलब ओनली सेकंड और थर्ड कंक्लूजन आर फॉलो। तो देखिए दोस्तों हमने जो डाटा इनइक्वालिटी वाला जो टॉपिक था ये हमारा पार्ट थ्री है, इससे पहले अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो प्लीज प्लीज इससे जो पहले वाले हमारे जो वीडियो हैं आप उन्हें देखिएगा, उन्हें देखने के बाद ही आप समझ सकते हैं कि क्या घटना घट रही है। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे हौसलों को बढ़ाते रहिएगा दोस्तों, बिल्कुल। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोज को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू।